Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. नमस्कार दोस्तों, Wi-Fi Study में आपका स्वागत है. कैसे हो? बढ़िया. तो दोस्तों, जैसा कि आपको विधिवत रूप से ध्यान है, हम बात इस समय हमारे अलंकारों पर चल रही है और मुख्य मुख्य अलंकारों पर हम बात कर रहे हैं. दोस्तों, कल हमने आपको एक मानवीकरण अलंकार पढ़ाया जहाँ प्रकृति को मानव के रूप में मान लिया जाता है. कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी चीज समझ में दे, वो समझने की कोशिश करोगे तब आपके समझ में आएगी, अन्यथा अलंकार अब तक किसी के समझ में नहीं आए और ना आने वाले. तो चीजों को ध्यान से सुनना है, चीजों को ये समझना कि ऐसा क्यों होता है. बस छोटी सी चीजें होती है, पद आपको देके पूछेगा इतना डीप से भी, फिर भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे. तो थोड़ा ध्यान रखें. कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो, तो फास्ट नहीं है, बिल्कुल स्लो है. आप चीजों को ध्यान से पढ़ोगे तब चीजें आपको बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आएगी कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है. अब देखो दोस्तों, बात अपन यूं करें, मानवीय अलंकार कल मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रकृति का जब मानव चित्रण कर दिया जाता है या प्रकृति का चित्रण मानवीय रूप में कर दिया जाता है तो वहां पर जो अलंकार होता है वो मानवीय कला अलंकार होता है. इसके बाद में हमने जो मैंने लास्ट बात छोड़ी थी वो आपका भ्रांतिमान अलंकार था, यानी हमें किसी उस वस्तु को देखकर उससे समरूप वाली वस्तु से हमारा भ्रम उत्पन्न हो जाए. हमें जैसे मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण में दिया था कि अगर हम कोई रस्सी को देखकर सांप समझ बैठते हैं तो हमें वहां पर भ्रांति हो जाती है. तो ऐसे पदों में, ऐसे जो काव्य है वहां पर जो अलंकार होता है वो भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है ना. तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भ्रांति, मैंने अच्छे अच्छे पद भी बताए थे, बिल विचारे परमेश्वर लगे हो, नागसुंड में ब्याल काली एक समझ कर उठा लियो, तत्काल सांप को हाथी का, हाथी को सांप का, दोनों को भ्रम हो जाता है. दोस्तों देखो, चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी तभी आपके अलंकार आएंगे. कुछ बच्चे कह रहे थे सर जोश नहीं है, तो जोश तो यहाँ क्लास में तो अपना ऐसा हो नहीं सकता जो अपन कूद ले, ठीक है ना, बाकी तुम अच्छा से करोगे. अगला अपना अलंकार है संदेह अलंकार. नेक्स्ट जो अलंकार है वो कौन सा है भाई? संदेह अलंकार. देखो नाम से ही मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नाम से ही डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा और कौन सा नहीं होगा. आप नाम ढंग से देखोगे तो नाम के द्वारा ही आप पता लगा सकते हो कि इसमें यह अलंकार होगा और ये नहीं होगा. तो हमें जहां किसी वस्तु के संदेह उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर संदेह अलंकार होता है. जैसे किसी, जब किसी पद में समानता के कारण संदेह, उपमान और उपमेय में संदेह उत्पन्न हो जाए, जब किसी वस्तु में समानता के कारण उपमान और उपमेय में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वहां पर जो अलंकार होता है वो संदेह अलंकार होता है, ठीक है ना. जब, कहने का तात्पर्य है हम किसी पदार्थ को देखकर, देखो ध्यान के मतलब है, हम किसी पदार्थ को देखकर, उपमान उपमेय में संदेह का मतलब वही है, हम किसी पदार्थ को देखकर उसके नाम संज्ञा के बारे में, उसके नाम, नाम का मतलब संज्ञा ही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, नाम संज्ञा के बारे में, उसके नाम व संज्ञा के बारे में निर्णय नहीं कर पाते, नाम व संज्ञा के बारे में निर्णय नहीं कर पाते, नाम व संज्ञा के बारे में निर्णय नहीं कर पाते, तब अनिर्णय की स्थिति, जब अनिर्णय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होती हो, उत्पन्न होती हो, अनिर्णय की स्थिति जब उत्पन्न होती हो तो वहां, तो वहां संदेह अलंकार होता है. यानी संदेह, आप ये निर्णय नहीं कर पाओ कि ये चीज क्या है. देखो नाम से आप सीधा आंसर दे सकते हो भाई, नाम क्या है? संदेह अलंकार. यानी उपमान, वही विशेषण विशेष से, और उपमेय, ध्यान से सुनना, फिर कहोगे गुरुजी खोपड़े में आया नहीं, बैठा नहीं, बैठे कहां से, ध्यान ही तुम्हारा कहीं और है. जब उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष, उपमान समझ गए हम, किसी को बताते हैं उपमान जिसके बारे में बात की जाए, अपन तुलना कर रहे हैं,
उपमान और उपमेय में संदेह की स्तुति हो जाए। आपने एक बहुत अच्छा डायलॉग सुना होगा, जब महाभारत में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करता है, साड़ी को खींचता है, तो वो साड़ी जब खत्म ही नहीं होती है तो उसके मुंह से, पता नहीं उसके मुंह से तो निकला नहीं निकला, कवियों के मुंह से निकलता, उसके मुंह से तो उस समय सांस निकल रही थी ना, कुछ नहीं निकल रहा। तो एक बहुत अच्छा डायलॉग कहता है कि नारी बिच साड़ी है कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही साड़ी है कि सारी ही नारी, उसको यही पता है नहीं है कि मामला क्या है। तो ऐसी लाइनें, ऐसे पद जहां होते हैं वहां पर जो अलंकार माना जाता है वो अलंकार संदेह अलंकार होता है। मतलब दुशासन खुद पागल हो गया यार, कि नारी की साड़ी है कि सारी ही नारी है, पता ही नहीं चल रहा है नारी बिच साड़ी है कि सारी बिच नारी है। तो ऐसी स्थितियों में वहां पर जो अलंकार होता है वो दोस्तों संदेह अलंकार होता है। अब परिभाषा से भी सीधा पता लगा सकते हो कि हम जब किसी पदार्थ या उसके नाम संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम ही है, जब आपने पहली क्लास देखी होगी तो नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम के बिना संज्ञा नहीं होती है, के बारे में निर्णय नहीं कर पाते, जब अनिर्णय स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर संदेह अलंकार माना जाता है। चलो आगे एक अच्छा सा उदाहरण लिखवाता हूं मैं आपको। तो यहां तक बात समझ में आ गई, जब उपमान उपमेय में संदेह की भावना उत्पन्न हो जाए तो वहां पर जो अलंकार होता है वह संदेह अलंकार माना जाता है। ठीक है भाई, अब देखो एक अच्छा सा उदाहरण है, सारी बिच नारी है, ढंग से पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, वीडियो बन जाओ, कुछ नहीं रखा, नारी बिच सारी है कि नारी की सारी है, नारी बिच सारी है, सारी का मतलब ब्रज भाषा का शब्द है, साड़ी से मतलब है ना, आगे समझाओ सारी क्या है, सारी ब्रज भाषा का वर्ड है इसलिए यहां साड़ी होगा। आगे सारी की ही नारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कि नारी की ही सारी है। देखो बहुत ही अच्छा पद दिया है, ये स्थिति दुशासन की होती है, जब वो द्रौपदी का चीर हनन कर रहा होता है तो उस समय वो संदेह उत्पन्न हो जाता है, नारी विच सॉरी सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीच में साड़ी है, नारी मतलब स्त्री है ना, साड़ी मतलब साड़ी, साड़ी है ना वस्त्र, सारी की नारी है कि नारी की साड़ी है, यानी उसे इस पद के माध्यम से आप देखोगे तो उसे वहां पर क्या पैदा हो रहा है भाई, बिल्कुल उसे संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस स्थिति में अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पर जो अलंकार होता है मेरे साथियों, तो यहां पर संदेह अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार मानेंगे भाई, संदेह अलंकार। ठीक है, आ गई खोपड़ी में, फिर सुन लो, जब उपमान उपमेय में हम संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी किसी संज्ञा में हम ये प्रूव नहीं कि चीज है क्या, संदेह हमारे मन में चल रहा हो, तो वहां पर संदेह अलंकार माना जाता है। कौन सा माना जाता है भाई, संदेह अलंकार। एक उदाहरण और देख लो इसका, जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, नेक्स्ट उदाहरण है इसका भाई, ये सरस है, ये है सरस, ये है सरस, ओस की बूंद, ये है सरस ओस की बूंद, या है मंजुल मोती। देखो बहुत अच्छी लाइनें कही है, यह है सरस ओस की बूंद या है मंजुल मोती, कहने का मतलब है कि समस पद में हंसनी जानते हो ना, हाँ फिर ये मतलब मुझे हंसनी भी नहीं, हंस की पत्नी, तो हंसनी जब सामने ओस की बूंदे देखती हैं, है ना, हंस की बूंदे, कल भी मैंने भ्रांति मानव में भी एक अच्छा उदाहरण दिया था तोते वाला, देख सुखी है मोन तोता सुख कौन आया है ना, अदर की क्रांति नाक का मोती, ठीक है ना। तो जब हंसनी उन ओस की बूंदों को दूर से देखती है तो उस सादृश्यता की वजह से
वो ये नहीं देख पाती कि ये मोती है या ओस की बूंदे हैं। तो यहाँ पर ओस की बूंदे अथवा सुंदर मोती, यहाँ पर जो भ्रांति उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो अलंकार माने जाएंगे वो अलंकार अपन कह सकते हैं कि आपका संदेह अलंकार होगा। और ये अच्छा पद सुनिए, ध्यान से सुनना, फिर मत कहना समझ में नहीं आया। कहूं मानवी यदि मैं तुझको तो वैसा संकोच कहे कहा, सॉरी, कहूं मानवी यदि मैं तुझको तो वैसा संकोच कहा, तू दानवी तो है उसमें, तू कहूं दानवी तो उसमें है, लावणीय लोच कहा, बन देवी समझू तो वह होती है भोली भाली, तुम बताओ अतः कौन तुम है रमणी रहस्य वाली। बहुत अच्छी पद गई है ये, अगर आपको थोड़ा सा, वैसे यूपी वालों को बड़ा ज्ञान होता है, ये रामायण से लिए गए पद हैं। कहूं मानवी यदि मैं तुझको तो वैसा संकोच कहा, लक्ष्मण कह रहा है सुनफन खां से, कहूं दानवी तो उसमें है लावण्यता की लोच कहा, दानवी तुझे नहीं कह सकता क्योंकि तू दिख नहीं रही है कि तू दानव है, बन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, अगर मैं तुझे वन देवी समझूं, वन की अगर देवी समझूं तो वह भोली भाली होती है, तुम्हें बताओ अतः कौन तुम्हें रमणी रहस्य वाली। ये बात प्रस्तुत पद में सुनपनखा को देखकर लक्ष्मण जी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वह किसी स्त्री है, मानव है, दानव है अथवा कोई वन देवी है, यानी वो निर्णय की स्थिति में नहीं है, अनिर्णय की स्थिति में पहुंच गए हैं, इसलिए यहां पर जो अलंकार होगा वो संदेह है अलंकार होगा। अब आपके समझ में आया कि नहीं आया, या फिर और कोई अच्छी बात बताऊं मैं तुम्हें? भाई लक्ष्मण जी ये नहीं कर पा रहे हैं स्थिति या निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वो वन देवी है, मानव है, दानव है, क्या है। तो ऐसी स्थिति में तो हमने चीज यही पढ़ी है कि ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें हम संज्ञा का निर्णय नहीं कर पाए, यानी संज्ञा के बारे में हम जान नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो अलंकार होता है वो आपका अलंकार कौन सा होता है भाई? संदेह अलंकार होता है। तो आशा करता हूं कि यह अलंकार आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब ज्यादा शिकायत का मौका मत देना कि गुरुजी हमारे समझ में नहीं आया, फास्ट पढ़ा रहे हो, धीरे पढ़ा रहे हो ना। अगला जो अलंकार है वह विभावना अलंकार, कईयों को तो नाम ही पता चल रहा है भाई। नेक्स्ट जो अलंकार है वह है विभावना अलंकार। अब देखो इसका ध्यान से सुनना परिभाषा, चीज को बड़े ध्यान से सुनोगे ना, मैं बिल्कुल देसी और बिल्कुल सरल भाषा में इसका रूपांतरण कर देता हूं, अगर आप बड़े ध्यान से सुनोगे तो चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ध्यान से सुन लो, हमारे द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण नियत होता है। भाई बिना फालतू तुम घूमने भी नहीं जाते हो, बिना किसी कारण के तुम पढ़ते भी नहीं हो, पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते हो ना, कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे कारण ही होता है, ठीक है ना। अब परंतु जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही कार्य का होना पाया जाए, बिना कारण के ही, सीधी सी भाषा है, बिना कारण के ही कोई कार्य होना पाया जाए तो वहां पर जो अलंकार माना जाता है वो विभावना अलंकार माना जाता है। फिर से सुन लो देवताओं, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, परंतु जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही कोई कार्य का होना पाया जाए तो वहां पर क्या होता है? विभावना अलंकार माना जाता है। कहने का मतलब है इसकी पद की पहचान के लिए तीन शब्द होते हैं, बिना बिनु, बिना बिनु, बिन और रहित। ये अगर किसी पद में, अब और ध्यान से सुन लो सरल भाषा में, अगर ये किसी पद में आपको दिखते हैं या पाए जाते हैं, किसी भी पद में आपको ये दिख जाते हैं या पाए जाते हैं तो वहां पर दोस्तों सीधा जो अलंकार आपको करना है वो आपका विभावना अलंकार करना है। कौन सा अलंकार करना है भाई? विभावना अलंकार। ध्यान रख लेना भाई, कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कारण होता है, बिना कारण ही काम हो जाए, उसका कारण नहीं और कार्य हो जाए, अब तो समझ गए ना सरल भाषा में,
वहां विभावन अलंकार होता है। और दोस्तों बिना, बिनु, बनी और रहित ऐसे शब्द आपको दिख जाए तो वहां पर जो अलंकार होता है वहां पर क्या होता है भाई, हाँ जो लाइन दिख जाए तो वहां पर विभावन अलंकार माना जाता है। जैसे उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, उदाहरण की ओर चलते हैं हम, बहुत अच्छा उदाहरण अपने सामने आ रहा है। निंदक निरिये राखिए, निंदक निरिये राखिए, आंगन कुटी छबाए, आंगन कुटी छबाए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय, निर्मल करे सुभाय। बचपन में बहुत अच्छा पढ़ा होगा आपने, निंदक निरिये राखिए, आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुभाय। ये एक मित्र के लिए, वैसे लाइनें एक मित्र के लिए कही गई है, क्योंकि अच्छा मित्र वही होता है दोस्तों जो आपकी निंदा करता है। यानी कहने का कवि ने इसमें सीधी बात कही है कि आप हमेशा अपने निंदक को अपने पास रखिए, वही आपको आगे बढ़ा सकता है या आगे ले जा सकता है, ठीक है ना। और अगर आप सीधा मेरे कहने के अनुसार अगर आपको याद है बिन बिना ये शब्द अगर आपको किसी पद में दिख रहे हैं तो वहां पर सीधा सा जो अलंकार है वो विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। मैंने तो कह दिया है अगर बिन, बिनु, रहित आदि शब्द आपको दिख जाए तो वहां पर जो अलंकार होता है वो सीधा विभावना अलंकार होता है। एक पद और सुन लो, बिनु पद चले सुनी, बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल भर भोगी, बिन बानी बक्ता बड़े जोगी। पद पर रामेश्वर ने तुलसीदास जी कहते हैं कि परम प्रदा परमेश्वर पैरों के से चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कार्य करता है, यानी भगवान के लिए कहा गया है। तो फिर मैं कह रहा हूं बिना किसी कारण के ही कोई कार्य का होना पाया जाए तो वहां पर जो अलंकार होता है वो विभावना अलंकार होता है। और विभावना अलंकार की अगर पहचान आपको करनी है तो आपको विनु, बिना, रहित आदि शब्दों को देखना ही होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आधे हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है और वो है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट अलंकार क्या है भाई? अतिशयोक्ति अलंकार। तो नाम से समझ जाइएगा अगला जो हमारा अलंकार है वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। दोस्तों इस अलंकार का मतलब है कि जब लोक सीमा से भी परे कोई कार्य हो जाए और कोई कार्य या किसी पद में किसी कार्य का लोक सीमा से होना परे पाया जाए, यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर कोई बात हम कर दें, यानी कोई कार्य हो ही नहीं सकता और उसको अपन होने पद में अगर हम कह दें तो वहां पर जो अलंकार माना जाता है वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बात समझ गए होंगे, जब अतिशयोक्ति है ना, दो शब्दों से बना है, अतिशय और उक्ति। देखो अपन ये कह सकते हैं अतिशय और उक्ति दो शब्दों से मिला है। अतिशय का अगर हम मतलब कहें तो बहुत ज्यादा, तथा उक्ति का होता है कथन या कहना, बहुत ज्यादा बात को कहना। अतिशय का मतलब होता है बहुत ज्यादा और उक्ति का मतलब होता है कहना, यानी किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए, बात को थोड़ा लोग लज्जा से बाहर का मामला हो जाए तो वहां पर जो अलंकार माना जाता है वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है दोस्तों आपसे कि जब किसी पद में लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन कर दिया जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है, यानी बहुत बात को बढ़ा चढ़ाकर अपन कह दें। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण आप देखो, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लगन
ताई आग, ठीक है, और आगे है लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। कहने का मतलब यह है कि देखो बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई लाइन, देखो हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी और इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया कि सारी लंका ही जल गई। तो आप समझ गए होंगे, अरे दादा समझ में आना फिर मत करना गुरुजी, हमें बताया नहीं। यानी किसी बात को लोग लज्जा से बढ़ा चढ़ाकर किसी बात या किसी पद में अपन कर देते हैं तो वहां पर जो आपका अलंकार होता है वो अतिशोक्ति अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है भाई? अतिशोक्ति। आगे और सारी है, अतिशोक्ति के बहुत सारे सात भेद होते हैं, वैसे रूप अतिशोक्ति होता है, भेद अतिशोक्ति होता है, संबंध अतिशोक्ति होता है, असंबंध होता है, अतिमात अतिशोक्ति होता है, अत्यंता अतिशोक्ति होता है, चपलाति अतिशोक्ता होता है, ना सात होते हैं। और उदाहरण की अपन बात करें जैसे कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष दिए बाण। अगर आप इस पद को ध्यान से पढ़ते हो तो इसमें आपको सीधा दूंगा कनक लता रूपी एक सुंदर नायिका के चंद्र रूपी मुख पर धनुष रूपी बोए बाण रूपी नेत्राक्षसों सुशोभित कर रहे हैं। यानी उसकी जो आंखों की जो बाण है वो उसको सुशोभित कर रहे हैं। अब आगे देखिए और अच्छा बहुत उदाहरण है, महाराणा प्रताप का राजस्थान से है तो महाराणा प्रताप का तो हो गए उदाहरण। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। इसको तो लिख के समझाना होगा, पड़ी अचानक नदी अपार। बहुत ही अच्छा कवि ने लिखा है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। बहुत अच्छा पद लिखा है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। वेरी गुड, तब तक चेतक था उस पार। ये बहुत ही अच्छी मनोस्थिति का वर्णन किया गया है, बात को बड़ा चढ़ा गया। ये तो यथार्थ ही है कि महाराणा प्रताप द्वारा नदी पार किए जाने का विचार किए जाने से पहले चेतक उन्हें नदी के उस पार ले जाता है। यानी कारण से पहले कार्य हो जाने कारण यहां पर अतिशोक्ति है। कहने का मतलब है पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। ये बात महाराणा प्रताप सोच रहा होता है जब वो युद्ध के लिए जाता है, यानी युद्ध करने की सोचता है, युद्ध में हल्दीघाटी के युद्ध में वो पार करने जाता है। तब राणा ने सोचा इस पार, राणा इस बात को सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार। तब तक जो चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था वो उसको नदी और उस नाले को पार कर जाता है। यानी कार्य सोचने से पहले काम हो गया है। तो यहां पर सीधी सी बात है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो यहां पर दोस्तों जो अलंकार होगा वो अतिशोक्ति होगा। और अच्छा उदाहरण मैं सुनाता हूं, सुनना ध्यान से। वह सर इधर गांडिव गुण से बिन जैसे ही हुआ धड़ से, जयद्रथ का इधर सर विचिन वैसे ही हुआ। बहुत अच्छा है, महाभारत काल की घटना है। वह सर इधर गांडिव गुण से बिन जैसे ही हुआ धड़ से, जयद्रथ का इधर सर छिन्न वैसे ही हुआ।
अर्जुन ने गांडू की प्रत्यांचा खींची जाती है ना, प्रत्यांचा जो होती है धनुष की, प्रत्यांचा छूटने के कारण के साथ ही, यानी बाण तो छोड़ा ही नहीं, वो प्रत्यांचा छोड़ते ही ऐसा कहा जाता है कि जो जयद्रथ था उसका सिर अलग हो गया, जयद्रथ का जो सिर था वो अलग हो गया। कहने का मतलब सीधा आपके समझ में आ गया होगा, जब हम किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताई जाए तो वहां अतिशयोक्ति। आज मैंने आपको 3 अलंकार पढ़ाए हैं, आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे, विभावना, संदेह और एक है आपका अतिशयोक्ति, ठीक है ना दोस्त। देखो एक्सप्लेन ज्यादा ज्यादा अपन कर सकते हैं, तो आज के लिए तो इतना ही, अगली मुलाकात, नेक्स्ट टॉपिक अपन कल से नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी जोश होश की बातें छोड़ो, थोड़ा पढ़ाई में चीजों को ध्यान से सुना करो ताकि अच्छा मजा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चे और भी ज्यादा आ सके, इसका फायदा उठा सके, है ना। तो ज्यादा शेयर करो तो बच्चे लाइव आएंगे, तब और भी अच्छा मजा आएगा, तब मैं और भी अच्छा आपको ढंग से पढ़ा पाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल नए टॉपिक और नए जोश के साथ, धन्यवाद दोस्तों।